हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बताऊंगी, जिसमें हम एक चूर्ण बनाएंगे और आप सर्दी कफ या सांस की बीमारी से ज़रूर दूर रहेंगे और कोविड-19 से ये बचने का अचूक उपाय है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने लिया है 400 ml पतंजलि वाली शहद, 250 ग्राम लिया है हमने अदरक। इसे हमने धुलकर धूप में थोड़ा सुखा दिया ताकि ये सिकुड़ जाए, यानी इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाए। ये फ्रेश अदरक थी तो मैंने सोचा इसे सुखाएंगे नहीं, हम पहले क्रश कर लेंगे। क्रश करके इसमें मिक्स कर देंगे और उसके बाद शहद मिलाएंगे। हमने देखिए 10 से 15 छोटी वाली इलायची ली है। लौंग लिया है मैंने 4 टेबल स्पून छोटे साइज के, और लिया है दालचीनी, 100 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम हमने अश्वगंधा का चूर्ण लिया है जिसे मैंने खुद बनाया है धुलकर सुखाकर कूटकर, 250 ग्राम मैंने बादाम लिया है, ये मैंने 50 ग्राम पीपली, और 50 ग्राम हमने लिया है अजवाइन, 100 ग्राम हमने हल्दी लिया है, और इसके अंदर हमने मुलेठी भी 50 ग्राम डाली थी। देखिए जिसके कारण आपको मुलेठी के रेशे दिख रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको हम सब पाउडर करेंगे। हल्दी भी हमने घर में ही पीसा था, थोड़ी सी मोटी अभी है, बाद में हम इनको आपस में सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ जब मिक्स करके ग्राइंडिंग कर लेंगे तो ये काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हम अब इस बाउल में अपनी 100 ग्राम अजवाइन डालेंगे, पीपली और का चूर्ण, अश्वगंधा हमने बारीक कर रखा है, काली मिर्च, अदरक हम अभी नहीं डालेंगे, अदरक को मैं निकाल दे रही हूँ, इसे मुझे छीलना है, और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसे मैं डाल लूँगी। फिर हम ग्राइंडिंग जार में इसे डालकर ग्राइंड कर ले रहे हैं, थोड़ा हम चटनी के जार में डालकर इसे ग्राइंड करेंगे। अभी मैंने हाफ पोर्शन डाला, उसके बाद हाफ डालकर पीसूंगी, बाद में मैं बादाम पीसूंगी। मैंने ग्राइंड कर दिया, अब छन्नी के द्वारा हम इस पाउडर को इस तरह छान लेंगे। अभी मैंने आलमंड नहीं पीसा है, इसे पीस कर फिर हम आलमंड पीसेंगे। अब हमने बादाम भी पीस लिया, इसे मैंने छाना नहीं है, डायरेक्ट हम ग्राइंडिंग जार में पीस कर इसे मिला लेंगे। आप चाहें तो इसे छान सकते हैं। और ये मैंने अश्वगंधा, ये भी हमारा पाउडर है, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी मुझे ये जो जिंजर है इसे छील कर फिर ग्राइंड करना है, बिना पानी डाले हम इसे ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राइंड करके सुखा सकते हैं, पर मैं इसे सुखाऊंगी नहीं, शहद के साथ इन इंग्रेडिएंट्स को मिला दूंगी। वैसे मेरे पास इस समय तो शहद की मात्रा कम है, हम पाउडर थोड़ा बाहर निकाल लेंगे, हाफ पोर्शन में ही शहद मिलाएंगे और ये दोबारा फिर हम बनाएंगे तब मिला लेंगे। 1 kg शहद इस टोटल इसमें लग जाएगी। मेरे पास इस समय लॉकडाउन के कारण शहद नहीं है एक्स्ट्रा, और मैं मंगवा भी नहीं सकूंगी क्योंकि मिल नहीं पाएगी। इसका हाफ पोर्शन हम निकाल देंगे जिसे हम शहद में डालेंगे, और हाफ पोर्शन हम दूध बनाते समय इसका डालेंगे, क्योंकि मैंने सोचा एक बार इतना इंग्रेडिएंट्स हम मिला के तैयार कर लें ताकि बार बार इसे बनाने के लिए हमें परेशानी ना हो। इसका आधा पोर्शन हम निकाल लेंगे और आधे को हम
शहद में मिक्स करेंगे। ये आधा पोर्शन आप किसी भी तरह खा सकते हैं, या तो गुड़ वगैरह में मिलाकर लड्डू बना दीजिए, या दूध में डालकर बॉयल करके। इसमें और एक्स्ट्रा आप हल्दी और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं 100 ग्राम और एक्स्ट्रा हल्दी ले लूँगी। अब तक 100 लिया था मैंने, पर ये 100 कम लग रही है और मैं एक्स्ट्रा 100 ग्राम और ले रही हूँ। 100 ग्राम हल्दी हमने, ये देखिए एवरेस्ट का हल्दी है। देखिए आपको लग रहा है कि इसमें कलर मिलाया है, एकदम लाइट कलर का है, या तो कोई चीज़ इसमें ऐड की गई। ये देखिए मैंने फ्रेश हल्दी को धुलकर पीसा था, और ये पाउडर बनाने का तरीका भी मैं आपको एक बार वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। हम 200 ग्राम हल्दी ऐड कर दिए हैं। पहले मैंने 100 मिक्स किया था तो मुझे ये कम लग रहा था, तो मैंने सोचा 100 और यूज़ कर लें। इस समय कोरोना वायरस से बचने में हल्दी हमारी बहुत मदद करेगी और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी। और सारे इंग्रेडिएंट्स मैं वही यूज़ की हूँ जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। हम इन्हें मिक्स करेंगे और ड्राई ही इन्हें हम मिक्स करके थोड़ा निकाल लेंगे, हाफ पोर्शन। और हाफ में मैं 250 ग्राम जो अपनी जिंजर है उसे मैंने साफ करके छील के फिर ग्राइंड किया है, पर वो हमें लग रहा है अप्रॉक्सीमेट 200 करीब बची है, 50 तक वेस्टेज निकल गया है। 200 हम इसमें मिला देंगे। इस पाउडर से हम दूध बनाते समय भी बॉयल करके पी सकते हैं, गुड़ मिलाकर या शहद डालकर। इसे हम बाहर निकालेंगे और हाफ पोर्शन में ही हम अपनी शहद मिलाएंगे। आधा मैं बाहर निकाल दे रही हूँ। हमारा जो पाउडर है अबव 600 बना था, क्योंकि 250 ग्राम इसमें हमने मिलाया था बादाम, 200 ग्राम ही हमने हल्दी, 100 ग्राम अजवाइन और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए थे, 100 ग्राम अश्वगंधा है। हम कंप्लीट मिक्स करेंगे। देखिए ये शहद मैंने फ्रीजर में रखी थी इसलिए थोड़ी सी जमी हुई है। हम इसे मिक्स कर देंगे पूरी तरह से। अब हम देखिए इसमें ग्राइंड की हुई अदरक भी मिक्स कर देंगे। ये पीली है क्योंकि इसमें हमने हल्दी पीसा था ग्राइंडर में, उसी ग्राइंडर में किया था। इसे पूरी अच्छी तरह से मिक्स करके हम उसी कंटेनर में रखेंगे जिसमें हमने शहद था। धीमे धीमे हम इसी कंटेनर में भर देंगे। अगर आपको हमारा ये आंवले और चूर्ण पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फ्रेंड आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसे उसी जार में डाला है जिसमें मैंने शहद ली थी। ये 500 ग्राम का है क्योंकि 400 ग्राम मैंने शहद यूज़ किया है। ये पाउडर थोड़ा सा अवले बच गया था इस ग्लास में मैंने रखा है, और हाफ पाउडर मैंने सूखा रखा है। जब ज़रूरत होगी तो हम इसमें अदरक कूट के मिला लेंगे और शहद के साथ मिक्स करके फिर नेक्स्ट टाइम इसका प्रयोग कर सकेंगे। अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।